अकेले ना आए, किसी और के साथ आए? घूमे घूमे मतलब किसी और के साथ आए? किसके साथ आए भाई आप लोग? फ्रेंड के साथ, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, बाकी किसी और के साथ भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हो आप, किसी के साथ भी आइए। और मतलब भाई हम कह नहीं सकते ना, कहना क्या है, समझ क्या रहे हैं आप, समझ सकते हैं जिसके साथ क्या चाहते हैं, मतलब आप वो समझ सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते, हम कहना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम लोग आज जा रहे हैं लखनऊ, और गाड़ी विकास भाई के रूम पे खड़ी कर दी, और सुबह बजरा 8 और निकल रहा हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है। आज पूरे दिन घूमा जाएगा लखनऊ में, और शाम को है अपना मैच 7:30 बजे से, वो देखा जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ी देर पैदल चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बैटरी रिक्शा मिलेगा तो फिर हाईवे तक छोड़ेगा वो। गाड़ी कर दिए इधर खड़ी, और फिर यहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग। तो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, और लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। पहला अटैक विकास भाई का जनेश्वर मिश्र पार्क है घूमना, क्योंकि विकास भाई यहां पे काम करवा चुके हैं। ये पूरा वाल ना, ये भी बताएंगे वाल का जितना भी काम हुआ यहां पे हमारी कंपनी ने करवाया था, LIC पे ये अप्रूव किया गया था, उसने करवाया था पालन। बताओ विकास भाई ने यहाँ वाल का जब काम करवाने के बाद आए नहीं थे कभी, तो फिलहाल आज हम लोग लखनऊ आए थे, तो पहले हमने कहा कि चलो विकास भाई, और फिलहाल अब चलते हैं घूमते हैं। अभी तो फिलहाल जनेश्वर मिश्र पार्क के पीछे मेरे गेट है, अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा यहाँ नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह ही निकल दिए थे, तो नाश्ता वगैरह करके फिर अंदर एंट्री लेंगे। तो हम लोगों का फ्राई राइस आ गया है, ट्राई करते हैं। ये हम लोगों का मस्त फ्राई राइस विकास भाई उड़ा रहे हैं, तो हम भी उड़ाते हैं, और फिर चलते हैं अंदर एंट्री लेते हैं जल्दी। ये अपना टिकट घर, टिकट लेते हैं यहाँ से। ये हमने टिकट ले लिया है, अब चल रहे हैं अंदर। तो फिलहाल टिकट वगैरह चेक करा के अब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। ये अंदर हम लोग उड़ाएं, ये विकास भाई लिए बच्चों वाला तो ये बच्चों वाला विकास भाई उड़ाएंगे यहाँ से अंदर। आज खूब उड़ेगा भाई, आज मैच देखने जाना, वहाँ भी उड़ाएंगे। हाँ, शाम को 7:30 भी उड़ाएंगे सारा आज ही उड़ा देंगे। ये चलते हैं हम लोग, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यू बेटर आ रहा है इधर का, अभी तो दोपहर का टाइम है, शाम होता तो और अच्छा लगता। चलते फिलहाल दिखाते हैं इधर, पहले यहाँ चलेंगे हम लोग। हम लोग घूमते घूमते काफ़ी अंदर आ चुके हैं पार्क के, और पार्क इतना बड़ा है यार कि पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो गई। लेकिन इस एरिया में केवल बगीचे बगीचे हैं, और गर्मी के सीज़न में ये एरिया बेटर है, बहुत ही रिलैक्सफुल एरिया है, क्योंकि मैंने देखा अंदर सब लोग आए बैठे भी हैं और रिलैक्स भी कर रहे हैं। अब देखिए पूरा नीम का पेड़ है, और ये आंवले का, नीम और आंवले का पेड़ है पूरा ये। और ये विकास भाई थक गए हैं यार, रेपिडो बुक करवा दो भाई यहाँ यहाँ भाई अंदर रेपिडो नहीं बुक होता, बाहर मिलेगा। ये विकास भाई तो एकदम चलते चलते इनके पैरों में भाई हालत ख़राब हो गई इनकी। ये एरिया थोड़ी देर यहाँ हम लोग बैठेंगे, लेकिन ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सफुल है, और यहाँ जो सामने है ये यहाँ पे जो आप देखेंगे लेटे हुए हैं लोग, आराम से रेस्ट करते। ये कहाँ पे, ये देखो बीच में, तभी कहें कहाँ से आवाजें आ रही इनकी, ये ऊपर बैठे हैं बीच में। चलते हैं थोड़ी देर घूमते हैं हम लोग, यहीं थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद थोड़ी देर घूमा जाएगा, फिर देखते हैं और कौन सी एरिया घूमने लायक जगह बेटर है। पूरा चलेंगे भाई आज, पूरा घूम के दिखाएंगे, पैर कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन विकास भाई आज पूरा अंदर घूमेंगे, ऐसा नहीं है कि बस इतने घूम के निकलना, पूरा घूमना है भाई। हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही बड़ा पार्क टाइप को पूरा बनाया गया है, और स्लाइड वाला झूला भी लगाया गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड वाला झूला भी। विकास भाई हमसे पहले ही चढ़ गए, ये विकास भाई देखो स्लाइड करोगे, रुक जाओ, अरे देखना बीच में ही ना रुक जाना भाई, आओ ये अरे भाई विकास भाई मजे ले रहे हैं भाई, दोबारा आओगे, रुक जाओ एक मिनट ले लेते हैं दोबारा भाई का, मजे ले रहे हैं विकास भाई ये मजे ले रहे हैं विकास भाई ये। लेकिन ये है कि शाम के टाइम ये सब और चीज़ें बेटर रहेंगे, चंचलता विकास भाई के अंदर बहुत ज़्यादा है, और हमसे ज़्यादा एक्टिव है विकास भाई, देखो विकास भाई हमसे हल्के हैं इसलिए फुर्त बहुत ज़्यादा है ये, और हमारी भाई वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए इतनी फुर्ती हम नहीं दिखा सकते। इस पर चढ़ जाओगे आप,
ये क्या है, ये वाली क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये वाली चेक क्या है, ये अंदर जाना पड़ेगा क्या आपको? अच्छा चढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है बस चढ़ने के लिए बनाया गया था, बच्चों के लिए। आ जाओ भाई बच्चों के लिए, चलो भैया। और ये रस्सी बच्चों के लिए है, फिलहाल बच्चे भी घूमेंगे और इस पे चढ़ेंगे, ये बेटर है बच्चों के लिए। क्या है ये सब झूला? और इधर भी बना हुआ पूरा झूले, बड़ों के लिए नहीं सब बच्चों के लिए ही है। लेकिन विकास भाई आज बच्चों से कम नहीं लग रहे। ये पूरा एरिया, इधर भी पूरा पार्क। इतने विकास भाई थक गए, इतनी जल्दी अपना एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो थक जाएंगे। सिर्फ पार्क का पूरा नक्शा है, आप गेट नंबर 6 जा रहा है पार्क, जहां आप जा पाओगे। कितने है? गेट नंबर 6। हम लोगों ने फर्स्ट से एंट्री की ना, अभी तो हम लोग आगे ही हैं। अभी तो यार पूरा, अरे इतना चलने के बाद भी भाई पूरा बचा है यार। अभी देखो कहाँ तक पहुँचते हैं भाई हम लोग। फिलहाल हम लोग घूमते घूमते और अंदर आए हैं, और यहाँ पे बड़े लोगों प्ले के लिए मैच वगैरह भी खेल सकते, बनाया कि आप मैच भी खेल सकते हैं इस पे। और ये एरिया पूरा, ये बेटर बनी है ये जगह, है ना, ये जगह बेटर है ना, बेटर है भाई बहुत। और धूप हो गई भाई, अभी तो 2 दिन से हम लोगों के साइड में बारिश हो रही थी, लेकिन इधर पता चला धूप ही धूप है यार। गर्मी इधर ज़्यादा है लखनऊ में, लेकिन न्यूज़ में तो दिखा रहा था यहाँ भी बहुत बारिश हुई। फिलहाल इस एरिया में चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। और ये गोल्ड सिटी टाइप की बनी हुई है यहाँ पे, बनी है भाई। ये दिखाते हैं आपको, ये मिनी बसवारी है ना, बहुत पतले पतले हैं ये। हाँ, बस ये तो ऐसा है। अभी सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग चलेंगे उस एरिया में अभी। और ये किस चीज का फूल है, फिलहाल मुझे पता नहीं किस चीज का फूल है ये, लेकिन उत्तर दक्षिण ये व्यू काफ़ी ज़्यादा बेटर आ रहा है, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ ट्रैक पैदल चलने के लिए, और उसके बाद लेफ्ट में बांस इधर, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर बना हुआ भाई। यहाँ स्टे करें, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग यहाँ पे। ये एरिया मैं भी नहीं आया था पिछली बार, लेकिन ये एरिया ज़बरदस्त लग रहा है, फिलहाल बेटर लग रहा है। तो हम लोग घूमते घूमते काफी ज्यादा थक गए यार, और उसके बाद फिर यहीं बैठे। फ्लैग नहीं मिला भाई हमको। हाँ। अभी फ्लैग का जंग जारी है। ये दूर से देखा यार, हम लोग पास ही लग रहा था ना। हाँ, अभी दिखा तो है लेकिन दूर से देखे पास ही लग रहा था, लेकिन चलते चलते इतनी दूर आ गए भाई कि पूछो मत। पैदल चलने में हालत खराब हो जाएगी। पार्क बहुत बड़ा बनवाए, अखिलेश बनवा देना। हाँ अखिलेश यादव, इतना बड़ा पार्क बनवाने की क्या जरूरत थी भाई, थोड़ा ही बनवाया। पैसा बर्बाद किया, पैसा बर्बाद कर दिया, बहुत बड़ा पैसा बर्बाद। लेकिन यह है कि जगह बेटर है यार, बेटर सुकून है? हाँ। किसके लिए? अरे अब भाई ना पूछो वो वो मत पूछो किसके लिए बेटर है, लेकिन फिलहाल जो भी है एरिया अच्छा है ये घूमने लायक। अब हम लोग तो फिलहाल हम ही और विकास भाई आए घूमने के लिए। हम लोग धार्मिक स्थल से आते हैं भाई, अयोध्या से आते हैं तो धार्मिक चीजें खोज के आते हैं। हाँ, हम लोग पता होता कि यहाँ दूसरा धार्मिक चल रहा है, तो विकास भाई सोच रहे थे कि दूसरे धार्मिक पर्पस से ही फिर आया जाता, तो इस पर्पस से नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ फिलहाल कोई, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ फिलहाल मस्ती है, एंजॉय है। यहाँ देखने को मिल रहा है लोग ज्यादातर रील बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ भाई यहाँ तो शूटिंग चल रही थी यार, हम लोग पार्क छोटे 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 जो ब्लॉगर हैं वो अपना अपना शूटिंग भी कर रहे हैं। उसी में मेरा भाई है नंबर 1 पे, तो ये ट्रेंड तो इस समय अरे जहाँ मजा ले रहे विकास भाई, धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे अब हम लोग जितना उतना खर्चा करके भाई का इससे उतना ज्यादा हो जाता है। अब ये मान के चलो कि ये हमने देखा कि टिकट का कितने, एक आदमी का 10 रुपए लगता है, 10 रुपए में आप अंदर एंट्री करके जितना मन उतना वीडियो शूट करो, जितना मन उतना ब्लॉग बनाओ, जितना मन उतना रील बनाओ,
आप केवल 10 ही रुपये में। फिलहाल दूसरी जगह जाते तो उसका अलग चार्ज देना पड़ता है, लेकिन इतना आपका 10 ही रुपये में। बढ़िया जगह, अच्छा है, देखो ये बसवारी बनाया है, ये सब, ये सब जो बना हुआ है, ये सब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बेहतरीन लग रहा है। देखो भाई बरसात हुआ है पूरा, यहाँ पीछे पूरा तालाब हो गया बारिश, बारिश की वजह से आपको ये पूरा पानी भरा हुआ इधर। जित अगर जित जो एरिया थोड़ा गहरा खलार टाइप का है उधर उधर तो पानी इकट्ठा हो जाती है, और जो एरिया थोड़ा सा ऊंचा टाइप का है उस एरिया में तो ये है कि कीचड़ टाइप का, कीचड़ टाइप का लग रहा है। अभी फिलहाल 2 दिन पहले बारिश हुई है ना, तो उतना यहाँ काफी अच्छा बरसात हुआ। हाँ। और यहाँ पे भाई देख रहे ना, आंधी ज्यादा तेज आए तो पेड़ भी उखड़े, पेड़ भी ज्यादा उखड़ गए, नुकसान ज्यादा हुआ है पार्क का थोड़ा सा सौंदर्यीकरण की वजह से। अब इन लोगों का थोड़ा सा काम बढ़ गया है कि अभी 2-4 दिन बाद जब सूखा हो तो थोड़ा ये लोग अपना पेड़ लगाएं, उसके बाद जो जो चीज़ें नुकसान हुई उसको तरीके से पूरा फिर बनवाएं उसको। जरूरी भी है भाई, जरूरी भी, क्योंकि भीड़ ही इतना पैसा कमाते हैं इससे। कितना भीड़ है ना यार, भीड़ भी है और कपल्स दबा के आए भाई, दिखा दे क्या? नहीं भाई कपल्स भाई दबा के नहीं भाई, रहने देते हैं, फिर कभी दिखाएंगे जब हम लोग बड़े क्रिएटर हो जाएंगे। नहीं, बड़े क्रिएटर होने के बाद अभी इस बार जब इंडिया टीम आएगी उस टाइम जब आएंगे हम लोग, मतलब मैच देखने, तब फिर दिखाएंगे। फिलहाल अभी तो जो देख रहे हो आप लोग यही बेटर है आप लोगों के लिए, तो फिलहाल थोड़ी देर अभी हम लोग का टारगेट है वहां तक पहुंचने का, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहां जाएंगे जरूर, लेकिन देखो कब तक। अब यहाँ से भाई हम लोग निकलेंगे अभी 1-2 घंटा 3 घंटा और यहाँ घूमेंगे, फिर जाएंगे लुल्लू मॉल, लुल्लू मॉल होते हुए फिर हम लोग शाम को वहाँ मतलब कुछ नाश्ता पानी किया जाएगा, उसके बाद फिर मैच देखा जाएगा, मैच देखा जाएगा। आज हरभजन की टीम से मैच है भैया, इरफान पठान की टीम से मैच देखा जाएगा, और उसके बाद फिर मैच तो रात में छूटेगी, लमसम 11-12 बजे रात हो जाएगा। तो अभी फिलहाल अच्छा, मोबाइल ले जाने दे रहे हैं? नहीं, अलाउ नहीं है भाई, मोबाइल भी नहीं, नहीं 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 मोबाइल अलाउ है भाई, बैग अलाउ नहीं है। आप बैग नहीं ले जा सकते, मोबाइल ले जा सकते, तो मोबाइल अगर हम लोग ले जाने का अंदर पा गए ना तो वीडियो लाइव देखेंगे, आंखों से मैच देखेंगे, उसके बाद वीडियो भी बनाएंगे, शूट करके भेजेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे शूट करने के बाद। तो फिलहाल थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर हम लोग वहाँ फ्लैग पे चलते हैं। फिर तो जिस रास्ते से विकास भाई लेके जा रहे थे पानी भरा हुआ था भाई, क्या बताएं, कपड़े चेंज करना पड़ा हमको। अब कपड़े चेंज करके यहीं से जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर ही कपड़े चेंज करके और फिर हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अब ज्यादा देर घूमा नहीं जाएगा, बहुत घूमेंगे भाई, अभी ज्यादा कम कम में भाई, फिर भी 1-2 घंटे तो घूमना ही घूमना है। हाँ, बस लेकिन अब कितना अच्छा जंगल टाइप का लग रहा है, ये पूरा व्यू काफी ज्यादा तगड़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन। यहाँ से हम तो प्रिफर करेंगे, हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के मतलब जो दर्शक मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, जो फैमिली हमारी छोटी सी, सब लोग आए जनेश्वर मिश्र पार्क, अकेले ना आए, किसी और के साथ आए, घूमे मतलब किसी और के साथ है। किसके साथ है भाई? आप लोग फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, बाकी किसी और के साथ भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हो, आप किसी के साथ भी आइए। और मतलब भाई हम कह नहीं सकते ना, कहना क्या है, कहना क्या है? समझ क्या रहे हैं आप, समझ सकते हैं जिसके साथ क्या चाहते हैं, मतलब आप वो समझ सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हम कहना क्या चाहते। जिसके साथ भी घूमना चाहते हैं आप आ सकते हैं, आप घूमिए, कोई रोक टोक नहीं है, उसके साथ आइए जिससे आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, अच्छा फील हो। तो फिलहाल हम लोग भाई आ गए और अब चल रहे हैं, ज्यादा कोशिश यही करेंगे जल्द से जल्द बाहर निकलने की, क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत सारा घूमना है यार। लुल्लू मॉल घूमना है, भूलभुलैया घूमना है, ऐसा ना हो जाए कि हमें 2-3 दिन यही रुकना पड़े। भूलभुलैया घूमना है, चिड़ियाघर घूमना है, मेट्रो स्टेशन घूमना है, उसके बाद फिर जो है हम लोग चारबाग जाएंगे, वहाँ भी घूमेंगे, उसके आगे क्या बोलते हैं वो एयरपोर्ट जाके घूमना है, बहुत जगह बचा हुआ भाई। और उसके साथ साथ अभी 5-6 चीज सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है कि हमको घूमना कहाँ है। सीक्रेट है, सीक्रेट बाद में खुलेगा, वो वीडियो आप पूरी देखेंगे तब। हाँ, फिलहाल वो आगे वाले वीडियो में आने वाला है। हाँ, तब तक के लिए चलते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको, आपको यहीं कुछ देर रहेंगे वही दिखाएंगे आपको। ओके, हमने सोचा क्यों ना जनेश्वर मिश्र को भी दिखा दें आप लोगों को। तो ये जनेश्वर मिश्र, लेकिन इधर जबरदस्त भीड़ होती है। विकास विकास भाई के लिए ये अखिलेश भैया लगवाए थे जहाज वगैरह की, ये लड़ाकू विमान है कि विकास भाई, अखिलेश भैया की पार्टी जो है जाम हो गई है, वैसे ये भी जाम हो गया। अखिलेश भैया पार्टी जाम हो गई है तो ये भी जाम करवा दिए विकास भाई, लेकिन फिलहाल ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है भाई, बहुत बेहतरीन है।
बेहतरीन है ना। इनके कार्यकाल में यही एक काम बढ़िया हुआ है, पार्क का। ये दो नंबर गेट है भाई, इस गेट से हम लोग अब निकलेंगे बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अपना व्यतीत कर लिया हम लोग यहाँ पे। अब इस यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर की तरफ। चलते चलते भाई हालत ख़राब हो गई। विकास भाई तो एकदम मस्त आदमी, चल ही रहे हैं दबा के। ये आ गया हम लोगों का बाहर। अब यहाँ से व्यू दिखाओ भाई, यहाँ से व्यू दिखा देते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, यहाँ से व्यू आप देख ले कितना। ये सब जो टावर बने हैं ना भाई, ये हमने बनवाया है सारा। ये बाहर ये बड़ी एलएनटी कंपनी ने बनवाया था सारा टावर, जितना है गंगा जमुना सरस्वती आगे है ये, और उसके बाद से आगे यहाँ विकास भाई यहाँ काम कर चुके हैं। राप्ती कावेरी है, मतलब जितने भी नदी हैं उन सब के नाम पे यहाँ टावर बने हुए हैं। विकास भाई काम कर चुके हैं इधर, फिलहाल चलते हैं बाहर। ये टैंक रखा है भाई, ये टैंक है ना, जंग में मारा था जिसे छीना गया टैंक। जंग में मायावती जिसे छीना गया टैंक, अखिलेश भैया ने छीना है और यहाँ आके खड़ी हो गई है। तो एक बार पुनः हम लोग लुलु मॉल में एंट्री करने जा रहे हैं। हम तो घूम ही चुके हैं, विकास भाई नहीं घूमे तो इनको भी ले आया हूँ घुमाने के लिए। उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ जब मैं आया था तब था, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है, क्योंकि शुरुआत में जब नई ओपनिंग होती है तो लोग ज़्यादा आते हैं सामान कम खरीदने और घूमने ज़्यादा। तो जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे भीड़ कम होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, अब उतनी भीड़ आपको देखने की नहीं मिलेगी। Take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. If you take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive. लुलू मॉल का बाहर का पूरा व्यू, ये पूरा बाहर का व्यू। इधर पार्किंग भी हो रही है और इधर विकास भाई भी खड़े हैं फोटो खिंचाने के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफी खूबसूरत मॉल बना है भाई। तो विकास भाई की फोटो खींच देते हैं भाई, विकास भाई को घुमा के लुल्लू मॉल। शॉपिंग हुआ यार, ये भाग गया। लुल्लू मॉल घुमा के भाई फिर निकल रहे हैं अब लोग, हम जाएंगे अगर टाइम मिला तो। पेंडिंग में रह गए हैं जो चीज लेना बाकी है, नेक्स्ट टाइम आओगे? नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी कौन से मॉल जा रहे हैं हम लोग?
फिनिक्स प्लाजा चलोगे क्या? हाँ बिल्कुल चलेंगे यार, वहाँ भी कुछ नाम हम लोग टॉपिंग तो करना ही है ना। अभी टाइम देख रहे हो, टाइम की बाकी जय श्री राम। अभी हम लोगों का देखेंगे, टाइम होगा तो चलेंगे फिनिक्स प्लाजा, और उसके बाद फिर नहीं तो अभी यार हम लोगों का जो मेन पर्पज है मैच देखना, तो मैच देखने पे ज़्यादा फोकस होगा, तो चलेंगे फिलहाल वहाँ देखते हैं। कहीं भी चलना होगा तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली आ गए रूम पे और वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैच का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।